जनपद हापुड़ में ऑटो रिक्शा, बस चालक और कंडक्टर, फल सब्जी विक्रेता आदि के लिए 14 जून से कोविड वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत हापुड़ के परिवहन विभाग में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, बस ड्राइवर और कंडक्टर आदि को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो है ये आदेश किया गया है कि जो है जनपद में, प्रत्येक जनपद में आरटीओ ऑफिस में जो है ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मैक्सी कैब तथा बस के ड्राइवरों और कंडक्टरों को एक स्पेशल ड्राइव चला करके इनको वैक्सीनेट किया जाए, जिसके तहत जो है पर डे जो है 18 से 45 साल की उम्र के ड्राइवरों को उनकी 50 डोज लगाई जाएगी और 45 से ऊपर वालों को भी 50 डोज लगाई जाएगी। तो ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी और उसी क्रम में आज जो है 18 से 45 साल के जो ड्राइवर चालक थे उनमें से 50 लोगों को लग चुका है और अभी तक 6 और 7 लोगों को 45 साल से ऊपर वालों को लगा है। तो ये लगातार चलेगा क्योंकि हमारे यहाँ जो है नंबर साफ जो है वैकिक के आधार पर देखा जाए तो हमारे यहाँ कुल जो है 8,000 या 10,000 के लगभग आसपास जो है हमारे यहाँ ऐसे वैकिल्स हैं जिन पर यात्री सवार यातायात करते हैं। तो यात्रा करते हैं तो ऐसे वाहनों के चालकों का वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है। तो जितनी जल्दी इनका वैक्सीनेशन हो जाएगा उतनी ही लोगों को, जनता को सुविधाएं। ताजी सब्जियों की कार्ट घर बुलाएं, बाजार भाव पर सब्जियां पाएं, देख भाई को कॉल करें 8650607033 पर। परिवहन कार्यालय में प्रतिदिन 18 से 45 आयु वर्ग के और 45 से अधिक आयु वालों के 50-50 लोगों को कोरोना की डोज लगाई जा रही है। ये अभियान अभी जारी रहेगा।